Hello students, I am Dr. Sunil Upadhyay from Brij Nursing Paramedical Education Center. Students, today we are discussing about routes of drug administration. Routes of drug administration means route matlab marg, drug matlab dawai aur administration matlab sharir mein enter karana. Yani hum jab kisi mareez ko uske sharir mein jab koi dawai किस मार्ग से पहुंचा सकते हैं तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे. तो देयर आर वेरियस रूट्स थ्रू व्हिच ए ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, यानी हम विभिन्न प्रकार के तरीकों से हम दवाई मरीज के शरीर तक पहुंचा सकते हैं. तो उनमें प्रमुख तीन है. नंबर फर्स्ट एंट्रल रूट, सेकेंड पेरेंट्रल रूट, एंड थर्ड लोकल. और टॉपिकल ये थ्री जो रूट्स हैं, ये तीन प्रकार के जो रूट्स हैं, इनके द्वारा हम किसी भी मरीज के शरीर में दवाइयों को इन मार्गों द्वारा पहुंचा सकते हैं. तो फर्स्ट हम बात करेंगे एंट्रल रूट. एंट्रल रूट और अदर नेम इज ओरल रूट. तो एंट्रल रूट क्या है? दिस रूट्स इन्वॉल्व्स द ओरल इंजेक्शन ऑफ द ड्रग. यानी जब किसी भी दवाई को ओरल रूट के द्वारा जब मरीज निगल कर उसको अंदर लेके जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रल रूट कहते हैं. अब बात करते हैं हम एंट्रल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज. तो एंट्रल रूट जो ओरल रूट या एंट्रल रूट जो हम बात कर रहे हैं वो सबसे सेफेस्ट होता है और दूसरा इजी टू टेक, यानी इसे आसानी से लिया जा सकता है और नो प्रोफेशनल असिस्टेंस रिक्वायर्ड और इसके लिए किसी भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता नहीं होती. मरीज को अगर बता दिया जाए तो वो उसको स्वतः ही ले सकता है. जैसे उसे टेबलेट देनी है या सीरप लेना है तो उसे ओरली अपने आप घर पे लेते हैं. और सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तो ये इसके एडवांटेज हो गए. अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की. तो डिसएडवांटेज भाई, इन रूट्स के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं. तो डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं एंट्रल रूट की, तो स्लोअर ऑनसेट एंड एक्शन, यानी कि जब हम ओरली रूट से कोई ड्रग लेते हैं तो उसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है अदर देन पेरेंट्रल रूट. उसके मुकाबले इसका एक्शन क्या होगा? स्लो होगा. और इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, यानी कि और इसको हम बहुत से मरीज आपने देखा होगा दवाइयां लेने में बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं कि दवा बहुत कड़वी है. अनप्लीजेंट यानी कड़वी, अगर कोई दवाई ऐसी है जो उसे पसंद नहीं है तो उसको वो नहीं ले सकता, वॉमिट कर देगा और अदर प्रॉब्लम्स होगी कि उल्टी आ रही है बार बार, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है. और GI ट्रैक्ट इरिटेशन कैन कॉज वॉमिटिंग, और जब GI ट्रैक्ट इरिटेशन होगा तो क्या होगा? वॉमिटिंग हो जाएंगे. तो ये इसके क्या हो गए? डिसएडवांटेज. तो अब हमने बात की एंट्रल रूट की और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की. अब दूसरा रूट हमने क्या बताया था? अभी जो हमने बताया था दूसरा पेरेंट्रल रूट. तो अब बात करते हैं हम सेकंड पेरेंट्रल रूट. पेरेंट, तो ओरल रूट सेफेस्ट था, पेरेंट्रल रूट. When the drug is administered through any route other than enteral route is known as parenteral route. यानी जब हम enteral route के अलावा जब किसी भी drug को और किसी मार्ग के द्वारा शरीर तक पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? Parenteral route कहते हैं. The drug can administer to the muscle, mucosa, blood or skin. यानी हम इसको mucosa के द्वारा, muscles के द्वारा, blood के द्वारा, skin के द्वारा इन मार्गों से पहुंचा सकते हैं. तो हम कह सकते हैं पेरेंट्रल रूट को हम चार भागों में डिवाइडेड करते हैं. पहला इंजेक्शन, तो फर्स्ट ए क्या है? इंजेक्शन. तो इंजेक्शन के द्वारा हम बॉडी में पहुंचा सकते हैं. दूसरा ट्रांसम्यूकोसल, कौन सा है? सेकंड
बी ट्रांस म्यूकोसल एंड थर्ड यानी सी ट्रांसडर्म. एंड फोर्थ डी इज इनहेलेशन. तो इन चार तरीकों से पेरेंटल रूट के द्वारा हम बॉडी में पहुंचा सकते हैं. तो अब फर्स्टली हम बात क्या करेंगे, इंजेक्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन की. तो इंजेक्शन जो रूट है उसके द्वारा हम किस तरीके से ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. तो सबसे पहले इंजेक्शन में जो क्या चल रहा है वो क्या है, इंजेक्शन. तो इसका जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर. इंट्रामस्कुलर यानी कि ड्रग इंजेक्शन ऑफ ड्रग इनटू द लार्ज मसल्स लाइक डेल्टॉइड, ग्लूटियस मसल्स, वेस्टस, लैटरस एक्सेट्रा. यानी कि जब हम इंजेक्शन जब इंजेक्ट करते हैं मसल्स में और उसके द्वारा जब किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर, शॉर्ट में जिसे आईएम कहते हैं. तो वो डेल्टॉइड मसल्स कहाँ होती है, आर्म. जो आर्म में मसल होती है डेल्टॉइड उसमें इंजेक्टेड करते हैं. और दूसरा ग्लूटियस मसल्स हिप पर, ग्लूटियस मसल्स में. और तीसरा वेस्टस लैटरस, वेस्टस लैटरस किसमें, इन्फेंट्स में. इन्फेंट्स में जब हम इंट्रामस्कुलर देते हैं तो किसमें देते हैं, वेक्टस लैटरस. तो ये कौन सा रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर्स. पर इंट्रामस्कुलर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है. तो एडवांटेज के इसमें ड्रग का जो एक्शन होता है वो स्लो होता है. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि इसमें 5 ml से ज्यादा ड्रग को इंजेक्टेड नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि थ्रोम्बो के चांसेस हो जाएंगे, इरिटेशन होगा और पेन होगा. तो इसलिए ये रूट सेफेस्ट है मगर स्लो एक्शन के लिए, और जो अमाउंट होता है ड्रग का वो कम हो तब उसके लिए. तो दूसरा हम बात करेंगे सेकंड. तो पहला क्या हो गया, इंट्रा मस्कुलर. एंड सेकंड इज सबकुटेनियस. सबकुटेनियस को हाइपोडर्मिक भी बोलते हैं. ड्रग इज इंजेक्टेड इन द सबकुटेनियस टिश्यू. जब हम किसी भी ड्रग को इंजेक्शन के द्वारा सबकुटेनियस टिश्यू में इंजेक्टेड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबकुटेनियस रूट. तो जैसे लाइक इंसुलिन, कौन सा, इंसुलिन. इंसुलिन जो दिया जाता है वो किस रूट से दिया जाता है, सबकुटेनियस रूट से. और कौन सा है, हेपेरिन. कौन सा, हेपेरिन. इसको भी हम किस रूट से देते हैं, सबकुटेनियस रूट से. अब बात करते हैं हम थर्ड रूट की. तीसरा रूट कौन सा होता है, इंट्राडर्म. ये सब किसके पार्ट है, इंजेक्शन. तो कौन सा है, इंट्रा डर्मल. इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेट अबव डर्मिस एंड बिलो एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस के बिलो नीचे डर्मिस में जब हम इंजेक्टेड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल रूट. लाइक जैसे इंट्राडर्मल रूट में तो आप लोगों को पता होगा जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उसमें बीसीजी वैक्सीनेशन जो होता है वो कैसे किया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से. तो लाइक बीसीजी वैक्सीनेशन, एक तो बीसीजी वैक्सीनेशन हो गया. एंड सेकंड ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट. जब हम किसी ड्रग को हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो उसको भी कहां देते हैं, डर्मिस लेयर में. तो उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल. तो और तीसरा ट्यूबरकुलिन टेस्ट. ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो किया जाता है वो भी किसमें किया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से किया जाता है. अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट. फोर्थ कौन सा है,
इंट्रावीनस, इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर हो गया, सबकुटेनियस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस रूट कौन सा होता है? द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की सुपरफिशियल वेन्स में इंजेक्ट करके जब हम ड्रग को बॉडी में एंटर कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रावीनस रूट। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसका एक्शन रैपिड होता है, और इसका सबसे जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसका एक्शन रैपिड होता है। जब हम कोई ड्रग देते हैं तो अगर हमें उसको मरीज की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है तो उस कंडीशन में हम इसको ज़्यादा वरीयता देते हैं, जो ड्रग को इंट्रावीनस देते हैं ताकि क्विक एक्शन हो सके। लेकिन कभी कभी ये हानिकारक भी होता है क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वो भी बड़ी तेजी से हो सकता है ड्रग का, तो इसलिए रैपिड एक्शन इज ए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इंट्रा आर्टीरियल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंट्रा आर्टीरियल। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इंट्रा आर्टीरियल, आर्टीरियल मतलब आर्टरी। जब हम आर्टरी में इंजेक्टेड करके ड्रग को पहुंचाते हैं बॉडी में तो उसे क्या अनुसार रूप बोलते हैं? इंट्रा आर्टीरियल रूट। अब इसमें कौन सी जगह यूज करते हैं? आप लोगों को पता होगा कि जब एंजियोग्राफीज की जाती हैं, एंजियोग्राफीज करते समय जब हम मेडिसिन को आर्टरी में एंटर करते हैं लोकेशन चेक करने के लिए, आर्टरी की पोजीशन चेक करने के लिए कि कहीं पर ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं थ्रोम्बो तो नहीं है, तो उस समय हम इस रूट का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में कौन सा रूट आता है? इसके बाद में आता है इंट्राकार्डिक रूट। इंट्राकार्डिक कार्डिक सब किसके लिए यूज करते हैं? हम कार्डिक शब्द यूज करते हैं हार्ट के लिए। तो जब हम हार्ट में ड्रग को जब पहुंचाते हैं, ड्रग इज गिवन इनटू द हार्ट, तो जब ड्रग को हार्ट में पहुंचाना हो तो कौन सा रूट इस्तेमाल करेंगे? इंट्राकार्डिक रूट। पर ये बहुत डेंजरस रूट है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, तो रेयर केसेस में ही इसको जब ज्यादा ही जरूरत हो तब इसको प्रयोग किया जाता है। और किस समय? जब मरीज शॉक में हो या उसका हार्ट काम करना बंद कर दे तो उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस कराने के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो सेवेंथ रूट है, वो जो पेरेंट्रल रूट का जो इंजेक्शन का जो पार्ट है वो कौन सा है? इंट्राथीकल। इंट्राथीकल कौन सा रूट है? इंट्राथीकल। इंट्राथीकल का जो अदर नेम है वो क्या है? इंट्रास्पाइनल। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सब एक्नोइड स्पेस लाइक स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम इस रूट का प्रयोग करते हैं, लंबर पंचर, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? लंबर पंचर। तो लंबर पंचर के दौरान जब L3 L4 के बीच में जब सबएक्नॉइड स्पेस में हम जब उसको एंटर कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्राथीकल या इंट्रास्पाइनल रूट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमने बता दिया सात, अब आठ, सेवन पॉइंट जो है वो कौन सा है? इंट्रा ओसियस। तो अब कौन सा है? इंट्रा ओसियस, ये कौन सा रूट है? इंट्रा ओसियस रूट, इंट्रा आर्टिकुलर भी बोल सकते हैं इसको, इंट्रा ओसियस रूट इनटू द जॉइंट, यानी जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्ट जॉइंट में। ये किस समय करते हैं? ये मेनली आपने देखा होगा कि जब अर्थराइटिस में या जब रोमेटिक अर्थराइटिस में पेशेंट को हमें जॉइंट में जो हाइड्रोकॉर्टिसोन देना होता है तो वो इसी रूट के माध्यम से हम मरीज में एडमिनिस्टर करते हैं। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इन द रूमेटॉइड अर्थराइटिस इंट्रा ओशियस रूट के द्वारा पहुंचाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा पेरिटोनियल,
नेक्स्ट क्या है? इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल रूट इंजेक्ट ड्रग इंजेक्टेड इनटू द पेरिटोनियम यूज्ड फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान जब हम पेरिटोनियल में इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, तो उस समय हम इस रूट को जो इस्तेमाल करते हैं तो इसका नाम क्या है? इंट्रा पेरिटोनियल रूट। इसके बाद में नेक्स्ट रूट है इंट्रा मेड्यूलर, इंट्रा मेड्यूलरी, इंट्रा मेड्यूलरी टू द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द बोन मैरो। जो जब हम बोन मैरो में मेडिसिन या ड्रग को एंटर कराते हैं तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा मेड्यूलरी रूट। बट इट इज रेयरली यूज्ड नाउ इन डेज, यानी आजकल ये बहुत रेयर हो गया है, अब इस रूट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये बात हो गई इंजेक्शन। अब दूसरा जो पेरिटोनियल रूट का सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? इंट्रा म्यूकोसल रूट। कौन सा था सेकंड? इंट्रा म्यूकोसल रूट। पेरेंट्रल रूट का जो सेकेंड पार्ट था वो कौन था? कौन सा था? यानी बी पार्ट, बी पार्ट इज इंट्रा म्यूकोसल, सॉरी ट्रांस म्यूकोसल, ट्रांस म्यूकोसल। जो ट्रांस म्यूकोसल रूट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अक्रॉस द म्यूकस मेम्ब्रेन, जब म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ड्रग को एब्जॉर्ब किया जाता है, बॉडी में पहुंचाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस म्यूकोसल रूट। ट्रांस म्यूकोसल रूट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा जब ड्रग एब्जॉर्ब होकर बॉडी में पहुंचती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस म्यूकोसल रूट। तो इसमें पहला फर्स्ट कौन सा है? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। सेकेंड इज रेक्टल, फर्स्ट सबलिंग, सेकेंड रेक्टम, एंड थर्ड इज फर्स्ट सबलिंगुअल रूट, सेकेंड रेक्टल रूट, एंड थर्ड नेजल रूट। थ्री पार्ट्स ऑफ ट्रांसम्यूकोसल रूट। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा जब एब्जॉर्ब होके ड्रग बॉडी में पहुंचती है तो उसे ट्रांसम्यूकोसल रूट कहते हैं। ये तीन पार्ट में होता है, पहला सबलिंगुअल रूट, जब सबलिंगुअल ओरली हम टंग के नीचे इसको जब मेडिसिन को रखा जाता है और द टैबलेट इज प्लेस्ड ऑफ अंडर द टंग एब्जॉर्ब अक्रॉस द सबलिंगुअल म्यूकोसा, जैसे कि नेट्राग्लिसरीन टैबलेट जो हम देते हैं पेशेंट को, तो इसे सबलिंगुअल रूट के द्वारा ही दिया जाता है। दूसरी बात करते हैं हम रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जब अनकॉन्शियस पेशेंट में जाकर हम इसको प्रयोग करते हैं, सबलिंगुअल रूट जब अनकॉन्शियस होगा तो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो एस्पिरेट कर सकता है, इस वजह से रेक्टल रूट को प्रेफर ज्यादा करते हैं। तो रेक्टल रूट में हम इसको दे सकते हैं, एब्जॉर्ब बाई रेक्टल म्यूकोसा, रेक्टल म्यूकोसा के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, रेक्टल रूट से जब जाता है तो उसको हम प्रयोग करते हैं। इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज, जैसा कि मैंने बताया अनकॉन्शियस पेशेंट में ये बहुत सेफ रहता है रूट को एडमिनिस्ट्रेट करने में, लेकिन क्योंकि ये रूट अनकॉन्शियस में तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्शियस मरीज है तो उसको बहुत इरिटेट करता है, ठीक है ना, और अल्सर रेक्टस में, रेक्टल में क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत हाई होता है, इसलिए वहाँ पर अल्सर होने के बहुत जल्दी चांसेस हो जाते हैं और बहुत ही इरिटेटिंग होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। अब बात करते हैं हम तीसरा जो पार्ट है ट्रांसम्यूकोसल रूट का, वो है नेजल रूट। नेजल रूट नेजल स्प्रे एंड नेजल ड्रॉप्स जब यूज करते हैं हम, तो नेजल जो कैविटी होती है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके द्वारा एब्जॉर्ब होकर जब ड्रग बॉडी के बॉडी में पहुंचती है तो उसको हम बोलते हैं नेजल रूट। अब पेरेंट्रल रूट का
थर्ड पार्ट कौन सा है? ट्रांसडर्मल रूट. तो थर्ड पार्ट इज सी ट्रांस डर्मल ट्रांसडर्मल. तो थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? ट्रांसडर्मल. अप्लाइड टू द स्किन फॉर सोलो एंड प्रोलोंग एब्जॉर्प्शन टू द एचिंग सिस्टेमेटिक इफेक्ट्स. यानी अप्लाइड टू द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलोंग एब्जॉर्प्शन टू द एचिंग सिस्टेमेटिक इफेक्ट्स. यानी जब हम किसी भी दवा का हम शरीर में लंबे समय और स्लो एब्जॉर्प्शन होता है और स्किन के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसडर्मल रूट. जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको, जैसे नेट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट होता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस में हम इसके द्वारा यूज करते हैं, जिससे कि मरीज को जब पेन होता है हार्ट में तो उसमें उसको रिलीफ मिलता है इस रूट के द्वारा. नेक्स्ट जो डी पॉइंट है इसका, वो है इनहेलेशन. इनहेलेशन रूट इनहेल ड्रग एंड वेपर्स एब्जॉर्ब थ्रू द पल्मोनरी एपिथीलियम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. जब एपिथीलियम जो पल्मोनरी में टिश्यू होता है उसके द्वारा और म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा जब एब्जॉर्ब होके ड्रग बॉडी में पहुंचती है, तो वो कौन से समय पे सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? जनरल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया में इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके द्वारा मरीज को एनेस्थेटिक किया जाता है. तो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके द्वारा एब्जॉर्ब होके वो ड्रग उसकी बॉडी में पहुंचती है. तो ये, और जैसे सलबुटामोल देते हैं जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी हम जब उसको प्रयोग करते हैं इनहेलेशन वगैरह में, इनहेलेशन के रूट के द्वारा, तो उसमें भी ये कारगर है. बहुत ही इफेक्टिव रूट है, सेफ है, और इसमें मरीज का जो डिसएडवांटेज है बस ये है कि वो इरिटेट होता है थोड़ा सा, और वैसे बहुत अच्छा सेफ रूट है इनहेलेशन रूट. अब बात करते हैं हम, दो पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए, पहला एंट्रल और ओरल रूट बात, दूसरी थी पेरेंट्रल रूट, उसकी बात हो गई. पेरेंट्रल रूट के चार जो पॉइंट थे, एक इंजेक्शन, दूसरा ट्रांसम्यूकोशल, तीसरा ट्रांसडर्मल और चौथा इनहेलेशन. अब जो लास्ट पॉइंट बचता है, थर्ड पॉइंट, वो था लोकल. कौन सा रूट था? लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो थर्ड पार्ट था वो था लोकल. लोकल रूट इसका जो अदर नेम है, और कौन सा था? टॉपिकल. टॉपिकल. अब बात करते हैं हम लोकल रूट. तो लोकल रूट जब लोकली तरीके से या टॉपिकली तरीके से बॉडी में एंटर कराया जाता है, तो इसको हम चार भागों में विभाजित करते हैं. यानी हम चार तरीकों से लोकल रूट में हम बॉडी में ड्रग्स को एंटर करा सकते हैं. तो फर्स्ट इज लोकल डर्मल एप्लीकेशन. लोकल डर्मल एप्लीकेशन. यानी जब बॉडी के स्किन पार्ट पर हम कोई भी ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पाउडर अप्लाई करते हैं और वो स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब होके बॉडी में एक्शन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल डर्मल एप्लीकेशन. एंड सेकंड इज इंस्टीलेशन. सेकंड क्या है? इंस्टीलेशन. इंस्टीलेशन putting drug in liquid form into the body cavity such as ears, eyes, वो ointment के प्रकार में भी हो सकती है drug, local में जो drops के रूप में हो सकती है, spray के रूप में होती है. तो यानी जब हम आँखों में कोई दवाई डालते हैं और ears में जो दवाई डालते हैं वो, तो उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? drug दवा पहुँचाने के रास्ते को instillation. ठीक है ना? तो जैसे ईयर ड्रॉप्स हैं, सिप्लॉक्स आई ड्रॉप आती है, जब हम उसको आंख में डालते हैं तो इस रूट को हम क्या बोलेंगे? इंस्टीलेशन. इसके बाद में थर्ड है
insertion. Third point is insertion. Insertions. The most introducing solid form of drug into body orificals. जैसे कि vaginal route के द्वारा हम vaginal tablets लगाते हैं. PID infection में ज़्यादातर जो doctors use करते हैं patient को, female patients को बताते हैं, तो wide discharge वगैरह है या फिर cervicitis है, तो उसमें locally effect डालने के लिए जो drugs use की जाती हैं, तो उस रूट को क्या बोलते हैं? इंसर्शंस. इसके बाद में इसका फोर्थ जो पॉइंट है, लोकल जो रूट है उसका, वो है इंसफिलेशन. इंसफिलेशन 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 इट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ऑइंटमेंट ऑन द वुंड एंड कैविटी. यानी जो कोई वुंड होता है तो उसमें इंसफिलेशन मतलब होता है भरना. तो जब वुंड ओपन वुंड हो, जब उसमें पाउडर या क्रीम एंटीबायोटिक के रूप में जब हम उसको भरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंसफिलेशन. तो अभी हमने बात की रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये हमने मोटे तौर पर तीन रूप में डिवाइड किया था, एंट्रल और ओरल रूट, दूसरा पेरेंट्रल रूट और तीसरा लोकल और टॉपिकल रूट्स. इट इज ऑल अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. थैंक यू.